गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, इडुसाला में आपका स्वागत है। ये लूसेंट बीबीटी की सीरीज में 6 पार्ट है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारत के विश्व विरासत स्थल स्थल और उसका वर्ष और उस जहाँ पे ये स्थल है वो राज्य दिया है। तो फर्स्ट है आगरा का किला, जो उत्तर प्रदेश में है। इसके शामिल होने का वर्ष 1983। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र, 1983 में इसे शामिल किया गया। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र, 1983 में इसे भी शामिल किया गया। ताजमहल और उत्तर प्रदेश में, इसे भी 1983 में शामिल किया गया। महाबलीपुरम के स्मारक तमिलनाडु में जो है, और इसे 1984 में शामिल किया गया। सूर्य मंदिर जो कि उड़ीसा में है, इसे 1984 में शामिल किया गया। आगे चलते हैं, मानस वन्य जीव अभयारण्य जो असम में है, 1985 में इसे शामिल किया गया। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में, जो 1985 में शामिल किया गया। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, शामिल होने का वर्ष 1985। गोवा का चर्च जो कि गोवा में है, शामिल होने का वर्ष 1986। फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश में है, इसे शामिल होने का वर्ष 1986। हम्पी अवशेष कर्नाटक में है, ये भी 1986 में शामिल हुआ। खजुराहो मंदिर जो मध्य प्रदेश में है, ये भी 1986 में शामिल हुआ। एलिफेंटा गुफाएं जो महाराष्ट्र में है, ये 1987 में शामिल हुआ। चोल मंदिर तमिलनाडु में है, इसके वर्ष एक बार 1987 में शामिल हुआ और फिर 2004 में भी शामिल हुआ। पटाकल के स्मारक जो कि कर्नाटक में है, ये 1987 में शामिल हुआ। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो पश्चिम बंगाल में है, और ये 1987 में शामिल हुआ। नंदा देवी राष्ट्रीय अभयारण्य व फूलों की घाटी, ये उत्तराखंड में है, इसके भी 2 वर्ष हैं, 1988 और 2005। सांची का स्तूप जो कि मध्य प्रदेश में है, ये 1989 में शामिल हुआ। हुमायूं का मकबरा जो कि दिल्ली में है, ये 1993 में शामिल हुआ। कुतुब मीनार जो कि दिल्ली में है, ये 1993 में शामिल हुआ। माउंटेन रेलवे दार्जिलिंग, इसको बोलते हैं दार्जिलिंग रेलवे, नीलगिरी कालका शिमला, इन सब जो कि पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में और हिमाचल प्रदेश में हैं, इनके शामिल होने का वर्ष 1999, 2005 और 2008। महाबोधि मंदिर बोधगया जो कि बिहार में है, ये 2002 में शामिल हुआ। चलिए आगे चलते हैं, भीमबेटका की गुफाएं। भीमबेटका की गुफाएं जो कि मध्य प्रदेश में है, ये 2003 में शामिल हुआ। चंपानेर पावागढ़ पार्क जो कि गुजरात में है, इसे 2004 में शामिल किया गया। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, पूर्व विक्टोरिया टर्मिनल इसको बोला जाता था, जो कि महाराष्ट्र में है, ये 2004 में शामिल हुआ। लाल किला ये दिल्ली में है, सभी जानते हैं, ये 2007 में विश्व विरासत में शामिल हुआ। जंतर मंदिर जो जयपुर में राजस्थान में है, इसे 2010 में शामिल किया गया। पश्चिमी घाट 2012 में शामिल किया गया था। ये कहाँ पे है? ये कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु सभी राज्यों में आता है। आगे देखते हैं, राजस्थान के पहाड़ी किले जो कि राजस्थान में है, ये 2013 में इन्हें शामिल किया गया। इसमें और भी चीज़ें हैं, देख लेते हैं। ये है चित्तौड़गढ़ का किला, चित्तौड़गढ़ का किला, इन सबको 2013 में किया गया है शामिल। इसमें कौन कौन है? चित्तौड़गढ़ का किला है, कुंभलगढ़ का किला है, रणथंभौर का किला है, जैसलमेर का किला है, आमेर किला है और गागरोन किला है। ये सारे 2013 में शामिल हुए और ये सब राजस्थान में ही हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। रानी की वाव जो पाटन गुजरात में है, ये 2014 में शामिल किया गया है। लेटेस्ट याद रखने की ज़रूरत है, पीछे का सिर्फ प्रारंभिक ही याद करना जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क जो कि हिमाचल प्रदेश में है, इसे 2014 में शामिल किया गया है। नालंदा जो कि बिहार में है, इसे 2016 में शामिल किया गया है। आगे देखते हैं, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क जो कि सिक्किम में है,
इसे भी 2016 में शामिल किया गया। ली कार्बूसियर के स्थापत्यकार जो कि चंडीगढ़ में हैं, इसे 2016 में शामिल किया गया। अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर गुजरात में है, जिसे 2017 में शामिल किया गया। मुंबई का विक्टोरियन और आर्ट डेको एंसेम्बल, ये महाराष्ट्र में है और इसे 2018 में शामिल किया गया। जयपुर की चार दीवारी जो कि राजस्थान में है, इसे 2019 में शामिल किया गया। जुलाई 2019 तक विश्व धरोहर सूची में 167 देशों के 1121 स्थानों को शामिल किया गया है। विभिन्न देशों में स्थित इन स्थलों में सर्वाधिक 55-55 स्थल चीन व इटली के हैं। चीन और इटली के 55-55, मतलब चीन के 55 और इटली के भी 55 स्थल शामिल किए गए, जो सबसे ज़्यादा हैं। जबकि स्पेन के 48 हैं, जर्मनी के 46 हैं, फ्रांस के 45 हैं और भारत के 38 हैं। ओके, एवं मैक्सिको के 35 हैं जिसे शामिल किया गया है। 2013 में मणिपुर का पारंपरिक गायन, ढोल और नृत्य संकीर्तन के साथ बांग्लादेश की जामदानी बुनाई और जापान में भोजन पकाने का पारंपरिक तरीका वासोकू सहित 14 नई प्रविष्टियों को यूनेस्को की इंटेजुअल हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है। आगे देखते हैं भारत की प्रतिरक्षा। भारत की रक्षा के लिए सेना का गठन किया जाता है, जिसका सर्वोच्च सेनापति भारत का राष्ट्रपति होता है, किंतु रक्षा संबंधी सारा कार्य केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है। रक्षा मंत्री सशस्त्र सेनाओं के प्रशासन का कार्य करता है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं को अग्रलिखित तीन भागों में बांटा गया है। भारतीय सेनाओं को तीन भागों में बांटा गया है, जो कि थल सेना है, जल सेना है और वायु सेना है। तो चलिए इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी देख लेते हैं। थल सेना में क्या है? इसका प्रधान चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ होता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसे 7 कमांड में बांटा गया है, जिसका विवरण इस प्रकार है। कमांड और मुख्यालय दिया हुआ है, चलिए इसको जान लेते हैं। कमांड, पश्चिमी कमांड का मुख्यालय है चंडी मंदिर। उत्तरी कमांड, जिसका मुख्यालय उधमपुर है। मध्य कमांड, जिसका मुख्यालय लखनऊ है। पूर्वी कमांड, जिसका मुख्यालय कोलकाता है। दक्षिणी कमांड, जिसका मुख्यालय पुणे है। दक्षिण पश्चिम कमांड, जिसका मुख्यालय जयपुर है। ट्रेनिंग कमांड, जिसका मुख्यालय शिमला है। प्रत्येक कमांड जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के अधीन होती है। ठीक है, आइए जल सेना के बारे में जानते हैं। इसका प्रधान एडमिरल रैंक का चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ होता है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। समस्त जल सेना को तीन कमांड में बांटा गया है। इसका अधिकारी एक वाइस एडमिरल होता है। प्रत्येक कमांड का विवरण इस प्रकार है। कमांड और मुख्यालय देख लेते हैं। पूर्वी कमांड, जो जिसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में है। पश्चिमी कमांड, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। और दक्षिणी कमांड, जिसका मुख्यालय कोची में है। आगे देखते हैं वायुसेना। वायुसेना, इसका प्रधान एयर चीफ मार्शल होता है, रैंक का होता है, जिसे चीफ ऑफ द एयर स्टाफ कहा जाता है। इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। वायुसेना को 7 कमांड में बांटा गया है। ठीक है, कमांड और मुख्यालय देख लेते हैं। पूर्वी कमांड, जिसका मुख्यालय शिलोंग में है। केंद्रीय कमांड, जिसका मुख्यालय इलाहाबाद में है। दक्षिणी पश्चिम कमांड, जिसका मुख्यालय गांधीनगर में है। मेंटेनेंस कमांड, जिसका मुख्यालय नागपुर में है। पश्चिमी कमांड, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। दक्षिणी कमांड, जिसका मुख्यालय तिरुवनंतपुरम में है। और ट्रेनिंग कमांड, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। ठीक है, चलिए तो आगे देख लेते हैं पद श्रेणियाँ। कमीशन ऑफिसरों की पद श्रेणियाँ होता है। ये स्थल सेना, वायुसेना और जल सेना में दिया हुआ है, तो चलिए देख लेते हैं। स्थल सेना जनरल, उसे वायुसेना एयर चीफ मार्शल, और जल सेना में एडमिरल, लेफ्टिनेंट जनरल एयर मार्शल और वाइस एडमिरल, मेजर जनरल एयर वाइस मार्शल और रियर एडमिरल, ब्रिगेडियर एयर कमोडोर कमोडोर, कर्नल ग्रुप कैप्टन कैप्टन, लेफ्टिनेंट कर्नल विंग कमांडर कमांडर, मेजर स्क्वाड्रन लीडर लेफ्टिनेंट कमांडर, कैप्टन फ्लाइट लेफ्टिनेंट लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट फ्लाइंग ऑफिसर सब लेफ्टिनेंट। नोट देख लेते हैं।
अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण 1748 में आरंभ हुआ। उस समय मेजर स्ट्रेंजर लॉरेंस ने मद्रास में भारतीय सैनिकों की एक छोटी टुकड़ी का निर्माण किया। इसी कारण स्ट्रेंजर लॉरेंस को अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक कहा पुकारा गया है। मेजर स्ट्रेंजर लॉरेंस को अंग्रेजी सेना भारतीय सेना का जनक कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत के सैनिक प्रशिक्षण संस्थान देखते हैं, जिसमें थल सेना प्रशिक्षण संस्थान दिया हुआ है। तो संस्थान और स्थान, नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA जिसे कहते हैं, इसका स्थान खड़वासला है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA जो देहरादून में है। इन्फेंट्री स्कूल जिसका मऊ में प्रशिक्षण संस्थान। आर्टिलरी स्कूल जिसकी प्रशिक्षण संस्थान देवलाली में है। नेशनल डिफेंस कॉलेज नई दिल्ली में है। डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज विलिंगटन। और आर्म्ड सेंटर है अहमदनगर में। चलिए आगे देखते हैं। भारत के प्रमुख शोध संस्थान जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो नई दिल्ली में है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर में है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री में है। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली में है। रमन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बेंगलुरु में है। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर में है। कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद में है। राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्रॉम्बे में है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में है। आगे देखते हैं, इंडियन सिक्योरिटी स्पेस जो कि पुणे में है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में है। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस पुणे में है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में है। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान रुड़की में है। केंद्रीय कोच तथा मृत्तिका अनुसंधान संस्थान कोलकाता में है। केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान कराईकुड़ी में है। केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर में है। केंद्रीय नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान भावनगर में है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कासरगोड में है। आगे केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है। दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान देहरादून में है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र जो कि बेंगलुरु में है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान रांची में है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जलगोड़ा में है। केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र धनबाद में है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून में है। भारतीय मौसम वेधशाला जो कि पुणे में है। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़ में है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर में है। भारतीय भू चुंबकीय संस्थान मुंबई में है। भारतीय खगोल संस्थान बंगलुरु में है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी में है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो कि वाराणसी में है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान नई दिल्ली में है। देख लीजिए एक बार और, केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान नई दिल्ली में है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है।
आगे देखते हैं भारतीय रासायनिक जैविकी संस्थान। एक मिनट, भारतीय रासायनिक जैविकी संस्थान कोलकाता में है। उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला गुलमर्ग में है। केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान नागपुर में है। औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद में है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कोलकाता में है। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी संस्थान भी कोलकाता में है। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक हैदराबाद में है। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र गुड़गांव में है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जलाहली में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में है। भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में है। केंद्रीय जल विद्युत अनुसंधान केंद्र खड़क वासला में है।